हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने सारिआं दा। अज आपां एलिमिनेशन मैथड दा तीजा पार्ट है जिहड़ा ओह करांगे। तीजे पार्ट दे विच कुछ सम है, दो जां तीन सम, ओह सम आपां अगो करदे आं। जिस ते मैं तुहानूं इंग्लिश दे विच रकम लिखी हुई है, इसकी पंजाबी मैं डिफाइन कर दिंदा, क्योंकि लिखण दे उत्ते मेरे कोल वाइट बोर्ड है जिहड़ा सम करन लई घट जांदा गा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट्स नंबर, दो संख्यावां दा जिहड़ा जोड़ है वह नौ है। आलसो नाइन टाइम दिस नंबर, जेकर जो संख्या है संख्या दे नौ गुना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, जिहड़ा मतलब कि वह जिहड़ा नंबर असीं प्राप्त करांगे उस दे दो गुना दे बराबर होवे बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करके जिहड़ा नंबर सानूं प्राप्त होएगा उहदे दो गुना दे बराबर है। ऑफ द डिजिट्स फाइंड द नंबर, तां नंबर आ जिहड़ा उह आपां नूं पता करना पवेगा। तां इहदे आपां सॉल्व दे विच चलदे हां जी। सॉल्व दे विच लिखांगे लेट्स द वन डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स, टेन डिजिट नंबर इज इक्वल टू वाई। पंजाबी बच्चे लिखणगे मन लो इकाई दी संख्या एक्स, दहाई दी संख्या वाई। इत्थे लिखांगे द ओरिजिनल नंबर इज टेन वाई प्लस एक्स, द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर, वो बनेगा अपने को दस एक्स प्लस वाई। इत लिखांगे दो अंकां वाली संख्या दस वाई प्लस एक्स, इत लिखांगे उल्टा के प्राप्त हुई संख्या दस एक्स प्लस वाई। हुण वो अपन की कहिंदा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट्स नंबर, दो अंकां दा जिहड़ा जोड़ है वो एक्स, दो अंकां दा जोड़ नौ है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन है, यह अपने को बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूजे नंबर ते वो कहंदा नाइन टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कहंदा कि जिहड़ा नंबर दिता गया, नंबर अपने कोले ओरिजिनल फॉर्म वाला नंबर होएगा, यानी कि दस वाई प्लस एक्स एंड नौ गुना इज इक्वल टू किस दे है, ट्वाइस द नंबर, उस नंबर दे दुगने दे ऑब्टेन्ड जिसनू प्राप्त किया जाता है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जदों असीं अंकां दे तरतीब नूं बदल दिंदे आ। इत्थे आपां अंकां दी तरतीब है जिहड़ी ओह बदलती, तां इहदे दो गुणा दे बराबर हो गया इह। हुण की इहनूं आपां सॉल्व करांगे, इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां आपणे कोले नब्बे वाई बन जूगा, इहनूं जदों इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां नौ एक्स बन जाएगा, दो नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां आपणे कोले ट्वेंटी एक्स बन जाएगा, टू नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां टू वाई बन जाएगा। आपां सारी रकम नूं इक पासे करांगे, जदों सारी रकम नूं इक पासे करांगे तां इह बन जाएगा आपणे कोले नब्बे वाई प्लस नौ एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। आ जिहड़ी रकम है, यह सारी रकम नूं आपां इधर लैके आवांगे। की करांगे, नब्बे दे विचों आपां नाइनटी वाई दे विचों आपां टू वाई निकाल देंगे तां अपने कोले आ जाऊगा एटी एट वाई आ जाएगा। आह प्लस दे माइनस दे प्लस माइनस माइनस, जदों ट्वेंटी एक्स दे विचों नौ एक्स निकल जाएंगे तां अपने कोले इलेवन एक्स आ जाएगा बराबर जीरो। इहदे विचों आपां ग्यारह कॉमन कढ लांगे, अपने कोले रह जाएगा एट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यह बन गया अपने कोले सैकंड इक्वेशन, ते फर्स्ट इक्वेशन अपने कोले आह सी। हुण अगों यह सम जिहड़ा इह सोल्व होएगा, देखो आपने को रकम बनेगी
दिस वन और 8y-x = 0। तो आपने बोले x अथे प्लस दिया अथे माइनस दिया, प्लस माइनस माइनस ये रकम कटी गई, 8y है आ प्लस दे 1y है, ये कितने बन गए 9y = 9y/9/9 काट के y = आपने बोले आ जाएगा 1, यानी कि जो 10 डिजिट नंबर है वो आपने बोले 1 आ जाएगा। अथे लिखेंगे फिल y वैल्यू इनटू फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने बोले x + y = 9, x + y का मूल्य है अपने बोले 1, x = 9। आप प्लस दे ऐसे जाके माइनस दे, यानी कि x = आ जाएगा अपने बोले 8, ठीक है। तो आ गया अपने बोले 1 डिजिट नंबर, ऐसे 1 डिजिट्स नंबर अपने को ले 8 आ गया, 10 डिजिट नंबर अपने को ले 1 आ गया, तो अपने को ले रिजल्ट कितना आएगा 18। आ 1 डिजिट हुंदा आ 10 डिजिट हुंदा, इस तरीके दे नाल आपां ये सम जिहड़ा है सॉल्व कर सकते हैं। हुण आपां करते हैं नेक्स्ट सम, अगला सम है अपने को ले चौथा, एंदी मैं रकम पढ़ देना बेटे, इंग्लिश पढ़ देना तो पंजाबी दे विच मैं उन्हें डिफाइन कर दूंगा। एंदे विच कहंदा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपी, मीना एक बैंक दे विच जांदी है ते 2000 रुपए ओह कढवाउंदी है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट्स, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਜੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੀਨਾ ਗੋਟ 25 ਨੋਟਸ ਇਨ ਆਲ, ਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 25 ਨੋਟਸ ਹੈ ਯਾਨੀ 25 ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਡਰਸ 50 or 100 ਸ਼ੀ ਰਿਸੀਵਡ, ਤਾਂ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 50 रुपीस नॉट इज इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ 100 रुपी नॉट इज इक्वल टू 20 - x, क्योंकि उन्हें टोटल 25 नोट ले है, 25 नोट ले है, जेकर उन्हें 50 नोट 7 ले होंगे तो अपन को किवें पता लगेगा कि उन्हें बाकी नोट ले है, तो अपन 25 के विचों 7 माइनस कर देंगे तो अपन को 18 पता लग जाएगा। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ x, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 2000 रुपी, द नंबर ऑफ 50 रुपीज नॉट इज 50 नाल एक्स हो जाएगा, द नंबर ऑफ 100 रुपी नॉट इज 100, 25 - x हो जाएगा। ऐथे जिवें लिखांगे 50 रुपए दे नोटां दी संख्या किन्नी होएगी, 50x हो जाएगी, 100 रुपए दे नोटां दी संख्या 100 25 - x हो जाएगी। हुण आपां इत्थे लिखांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने मतलब कि 50 रुपए दे ते 100 रुपए दे दोनों दे नोट है जेडे ओ 2000 प्राप्त किते है। एथे लिखांगे 50 रुपी नोट प्लस 100 रुपी नोट इज इक्वल टू 2000। 50 दे किन्ने है अपने कोले, 50x प्लस 100 दे किन्ने है 100, 25 - x इज इक्वल टू 2000। 50 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ,
50x बन जाएगा प्लस 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 2500 बन जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 100x बन जाएगा इज इक्वल टू 2000 बन जाएगा। हुण की है अपने को यह बन गया 25000 प्लस माइनस माइनस 100x दे विचो 50x निकल जाएगा माइनस दे 50x आ जाएंगे बराबर अपने को आ जाएगा 2000 माइनस 50x इज इक्वल टू 2000। आज ये 2500 है ये मतलब कि आप पहले पास ले जाएंगे तो अपने को माइनस दे हो जाएंगे माइनस 50x प्लस माइनस 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 दा 500 आ गया एंड नाल आहा कटया गया x बराबर आ गया अपने को 500 बाय 50 जीरो ना जीरो एंड नाल आहा 10 यानी कि x बराबर 10 यानी कि 50 रुपीस नोट अपने को कितने आ गए 10 आ गए 100 रुपी जेडे नोट है वो अपने को आ जाएंगे 15 माइनस एक्स यानी कि 50 माइनस 10 यानी कि 15। इस तरीके दे नाल मतलब कि आपां नोट पता कर सकते हैं उसनू 100 रुपए दे 15 नोट मिले ते 50 रुपए दे उनू 10 नोट मिले। हुण आपां चलदे हां इस एलिमिनेशन मेथड दे लास्ट सम दे उत्ते। जेकर बेटे तुहानू मेरा तरीका इह पढ़ाउंदा वधिया लगे प्लीज मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो लाइक करो शेयर करो वध तों वध आपदे दोस्तां मित्रां नू जरूर दसो। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ 3 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਐਂਡ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਸ ਫੋਰ ਈਚ ਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਿਤਾ ਪੇਡ 27 ਫੋਰ ਏ ਬੁੱਕ ਕੈਪਟ ਫੋਰ 7 ਡੇਜ਼। ਸਰਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 27 ਰੁਪਏ ਪੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲ ਮੰਜੂ ਪੇਡ 21 ਫੋਰ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਫੋਰ 5 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੂ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 21 ਰੁਪਏ ਪੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਐਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜਸ 11 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਐਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ additional charges per day is equal to y। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਿਤਾ ਪੇਡ 27 ਫੋਰ ਏ ਡੇ ਕੈਪਟ ਫੋਰ 7 ਡੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 3 ਡੇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 7 ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਸੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲਈ 4 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 4y ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੇਡ 27 ਰੁਪੀਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਜੂ ਹੈ ਮੰਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਰੁਪੀ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਐਕਸ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨੇ 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਈ 2 ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2y ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ 21 ਰੁਪੀ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਸ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਪਲੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ
आ प्लस दिया ए माइनस दिया प्लस माइनस माइनस ए बन गया बेटे दो वाई प्लस माइनस माइनस 27 दे विचो 21 माइनस हो जाएंगे 6 आ जाएगा वाई बराबर 6 बाय 2 काट के कितना आ गया 3 यानी कि जेड़ा एडिशनल चार्जेस है वो एक दिन का 3 रुपए है जेड़ा वो किराया पड़ेगा। हुन आपां लिखांगे फिल वाई इनटू फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वाई का मूल समीकरण एक दे विच भरो समीकरण एक आपां ले लांगे एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एक्स प्लस 4 वाई का मूल अपने को आया सीगा 3 वैल्यू आई सी 3 27 एक्स प्लस 4 नू 3 ना मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 27 आ प्लस दे 12 है ऐसे जाके माइनस दे 12 हो जाएंगे एक्स बराबर 15 तो आप की लिख सकते हैं जो फिक्स्ड चार्जेस है फिक्स्ड चार्जेस आ गया बेटे 15 रुपए एडिशनल चार्जेस आ गया 3 रुपए। इस तरीके दे नाल बेटे आप एलिमिनेशन मेथड दे सारे सम है जेडे ये सॉल्व कर सकते हैं। बेटा जी जे तुहानू मेरा ये तरीका पढ़ाउण दा वधिया लग्या होवे तां प्लीज मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो लाइक करो शेयर करो। नैक्सट टाइम एक नवी एक्सरसाइज दे नाल तुहाडे रूबरू होवांगे। अज लई इन्ना ही। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।